आम रिश्ता कब खास हो जाए और खास लोग कब आम हो जाएं, इस बात का पता वक्त के साथ चलता है। बॉलीवुड के लोगों पर यह किस्सा काफी सटीक बैठता है। दोस्ती, दुश्मनी और घनचक्कर के चक्कर में कई स्टार्स फंस चुके हैं। हालात ऐसे भी बने हैं कि जिगरी दोस्त भी दुश्मन बने हैं। आज का बॉलीवुडिया किस्सा बच्चन परिवार, ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय के उस किस्से के बारे में बताऊंगा जब एक विवाद ने उनकी बरसों पुरानी दोस्ती एक झटके में तोड़ दी थी। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के करियर की शुरुआत ऑलमोस्ट एक साथ ही हुई थी। एक वर्ल्ड टूर में दोनों में दोस्ती हुई, इंडस्ट्री में इनकी दोस्ती के चर्चे भी हुए, लेकिन इस दोस्ती में दरार आना तब शुरू हुआ जब फिल्म चलते चलते से ऐश्वर्या राय को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को इस फिल्म में साइन किया गया। इस फिल्म में उनकी दोस्त ऐश्वर्या राय को निकाला गया, ये जानते हुए भी रानी मुखर्जी ने फिल्म साइन की और उसमें काम किया। इस कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। यह फिल्म बनी और हिट साबित हुई। इसके बाद दोनों ही स्टार्स के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद बची खुची कसर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने पूरी कर दी। अभिषेक बच्चन ने रानी मुखर्जी के साथ फिल्म बंटी और बबली, कभी अलविदा न कहना, युवा और लगा चुनरी में दाग जैसी कई फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उनका अफेयर शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा था ये दोनों ही स्टार्स जल्द ही शादी कर लेंगे। इसी बीच रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई ब्लैक। इसमें रानी ने अमिताभ के साथ किसिंग सीन दिया। इस किसिंग सीन से जया बच्चन नाराज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जया बच्चन रानी मुखर्जी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अमिताभ के साथ किसिंग सीन ने सब कुछ खराब कर दिया। इसी के साथ साल 2006 में आई फिल्म गुरु में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच अफेयर शुरू हुआ। इनके बीच अफेयर शुरू होते ही रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय की बची खुची दोस्ती भी खत्म हो गई। कुछ ही समय बाद बच्चन परिवार ने ऐश्वर्या राय के साथ अभिषेक बच्चन की वेडिंग अनाउंसमेंट कर दी। अप्रैल 2007 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस शादी में रानी मुखर्जी को इन्वाइट नहीं किया गया था। इसे लेकर रानी मुखर्जी ने खुलकर अपनी बातें भी रखी थी। उन्होंने कहा था, सच्चाई ये है कि अगर वो व्यक्ति आपको अपनी शादी में नहीं बुलाता है तो आपको एहसास होता है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है। आपको लगेगा कि आप उनके दोस्त हैं, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि ये दोस्ती केवल सेट्स पर को स्टार होने तक ही सीमित है। शादी के कुछ महीने बाद अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म लगा चुनरी में दाग की शूटिंग के लिए विदेश गए थे और ऐश्वर्या भी उनके साथ गई थी। फिल्म के सेट पर रानी मुखर्जी भी मौजूद होती थी, लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। वहीं इनकी शादी के 7 सालों बाद 2014 में रानी मुखर्जी ने इटली में फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। लेकिन जिस तरह ऐश्वर्या ने अपनी शादी में उन्हें इनवाइट नहीं किया था, वैसे ही रानी मुखर्जी ने भी ऐश्वर्या राय को अपनी शादी में नहीं बुलाया। आपको बॉलीवुड का यह किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।